शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव वो थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए, मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता तू मेरे से बात करता। ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या, वो हाँ, यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर? बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज बहुत किया है, बहुत यूज किया है। मैंने अभी उसको, अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही, ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, मम्मा अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में? ऐसा नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें सुनीशा ने जो लिखा था, वे कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा रोजगार मिला काम करने, ये बातें कही थी उसने लिखी थी, उसके बाद उसको कुछ की। तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहिए? मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला कि पता चला है शिजान ने उसको उतारा है, एक बार फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में आएगी, आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगी एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या नहीं? मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ। हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि सुनीशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफी ज्यादा गम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने, तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में, मैं को मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप? वही हमारा सवाल है, वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई, तो मुझे नहीं पता चला कि बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार सुनीशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगे? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी और आप थे नहीं, आप कहीं बाहर गए थे घूमने और? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टनीशा के साथ तो मेरी जान थी इसकी, मेरी और मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज। मैंने उसको कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया था,
कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुंह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है, तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया, पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की, वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेके। ये मेरे को नहीं सर मालूम, एक दो बार बताया था, मैं होके आई हूँ, होके आई, कौन सी दरगाह जाती, ये नहीं मेरे को मालूम। कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप, उसने कुछ लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी, ये उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू पसंद नहीं था, कि टैटू कभी मत बनवाना, अच्छा उसने पहले पूछा था। फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी, उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टनीशा से टनीशा ने पत्नी कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है वहां से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे, जब मैं डर रही हूँ मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तुझो कर कर, उस दो तीन महीने में वो मेरे पे, हाँ वो दो तीन महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफी दूर धीरे धीरे दूर हो गई थी, वो सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा रही, वैसे ही करती जा रही थी, बिहेवियर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनके वजह से आपके और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुजान जो है उसकी वजह से यह हादसा हुआ है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ, तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो, तू मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर, अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी, वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे कोई लालच नहीं किसी चीज का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी, जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अब एवरीथिंग, नहीं वो हो गई थी, मैं मानती हूँ, मैं वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना, क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी, अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना कर, वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टनीशा, वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है, अगर मुझे, मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों इंटरटेन करेंगी। शिजान की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तनीशा से क्या, ये फोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती थी, तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी, हाँ जी शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट तनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है, तो उसने बताया था चैट में क्या था? नहीं उसने नहीं बताया, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी, अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती, उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती, अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर, हाँ प्लान्स थे उसके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज ही दूं मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना था, उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूंगी, मैं कह नहीं बेटा मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूंगी जहां भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊंगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूंगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूंगी यू जस्ट एक्सेप्ट, ओके मम्मा आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट, वो काफी खुश दिखाई दे रही है, सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है, जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है, क्या क्या कारण, मेरे मन में आता है,
क्योंकि टनीशा मैं बताऊं सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो उस, क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है, शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तू मर जा जो मर, पता नहीं आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.